हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल गुरु। और आज का जो वीडियो रहने वाला है ये बेसिकली बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का फिजिकल के रिगार्डिंग, डेट के रिगार्डिंग रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर बिहार विधान परिषद का बात करते हैं, माली का, चपरासी का, प्यून का, तो फिजिकल का डेट आ मतलब इंटरव्यू का डेट आ चुका है जो कि मुख्य रूप से 26 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का रहने वाला है। हम लोग का जो है वो फिजिकल का डेट कब तक आएगा, तो देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है, साथ ही उसका एक्सपेक्टेड डेट भी बताया जाता है जो कि बिल्कुल सही होता है। और अगर वो ऑफलाइन पेपर होता है बिहार में तो उसका आपका पेपर का भी एनालाइज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। सो वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको सफलता सुनिश्चित करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें ताकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का फिजिकल का डेट के बारे में जो कि सबसे अहम मुद्दा है। तो ये आप लोग का जो डेट होने वाला है ये मुख्य रूप से 5 तारीख के बाद ही आएगा। 5 तारीख के बाद की अगर मैं बात करता हूँ कि 26 से लेकर 5 तक तो आप लोग का मुख्य रूप से माली, चपरासी और जो प्यून है उसका इंटरव्यू रहने वाला है। और आप लोग का उसके बाद 10 तारीख यानी कम से कम आप लोग को 10 से 15 जनवरी के बीच में जो है वो आपको डेट देखने को मिलेगा फिजिकल के डेट का, यानी बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड के फिजिकल का डेट का आएगा। और डेट से आप लोग को 7 दिन का समय देगा। जैसे मान के चलिए कि अगर आप लोग को 10 जनवरी तक आप लोग का डेट आ जाएगा और 10 जनवरी से आप लोग को 7 दिन का समय देगा फिजिकल करने के लिए। सो वैसे बच्चे जिन्होंने भी सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म भरा है, जिनका फिजिकल है, वो अभी से अपने फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि आप लोग का फिजिकल जो है वो हार्डली 17 जनवरी तक चांसेस है कि हो जाएगा, 99.9%, ठीक है। और आप लोग का फिजिकल के बाद आप लोग को 20 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हाँ जी, याद रखिएगा आप लोग का फिजिकल जो भी होगा 2 से 3 दिन का फिजिकल आप लोग शेड्यूल रखा जाएगा जिस तरह से बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, और उसके 20 दिन के अंदर का रिजल्ट हो जाएगा। यानी मान के चलिए कि अगर आपका 15 तारीख को फिजिकल होता है और 3 दिन ही फिजिकल चलता है यानी 15 3 18, तो आप लोग को उसमें 20 दिन अगर आप ऐड कर देते हैं तो 8 फरवरी तक आप लोग का जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बार बिहार सरकार बहुत मिशन मोड में चल रही है। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं 26 से लेकर 5 तक, याद रखिएगा 5 तारीख का जो लास्ट इंटरव्यू होगा उसके 20 से 22 दिन के अंदर आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी जो भी बच्चे इस बार प्यून का, माली का या फिर फराज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं जो कि 26 से 5 तक रहने वाला है, उनका भी जो है मुख्य रूप से रिजल्ट 20 दिन के अंदर जारी होगा। यानी उनका 5 जनवरी को जो लास्ट इंटरव्यू है उससे 20 दिन यानी 25 से 30 जनवरी के बीच में उन बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। यानी अब आप लोग को लंबा वेट करना नहीं होगा। विभाग जो है अभी बिल्कुल मिशन मोड में चल रही है, कुछ एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी 90% एग्जाम जो है वो बिल्कुल टाइम पर हो रही है और समय से पहले रिजल्ट जारी किया जा रहा है ताकि बच्चों में जो कह सकते हैं ना एक डर का माहौल ना रहे, एक डिप्रेशन का माहौल ना रहे, बच्चे भी उत्सुक रहें कि चलो हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तो अब अगला वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। बात करते थोड़ा अगली वैकेंसी के बारे में, थोड़ा वो गुड न्यूज़ दे देते हैं। तो फरवरी में दोनों विभागों में वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, बिहार विधान परिषद में भी और बिहार विधानसभा में भी। सो अगर बच्चे किसी का इस बार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कमर कस लीजिएगा और हमारे चैनल साथ बने रहिएगा ताकि सारा कंटेंट आपको यहीं से मिलेगा। और फरवरी में आप लोग को दोनों जगह, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, दोनों जगह आप लोग को गुड न्यूज़ यानी नई नोटिफिकेशन मिलने वाली है। यानी पिछले साल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस साल कैसे भी आपको ले लेना है। और लेने की बात की जाती है कि किस तरह से, तो यहाँ पर आपको उसके लिए बिल्कुल फ्री YouTube बैच लाया जाएगा जिसमें आपको तमाम GS जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, आपको सभी चीज़ पढ़ाया जाएगा और आपको गाइडलाइन दी जाएगी जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केवल हमारे साथ बने रहने से आपकी सफलता सुनिश्चित होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने चैनल पर। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, अगर कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, जो कि आपका एक लाइक जो होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का पार्ट बनता है, ठीक है दोस्तों। सो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, थैंक यू।